projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने पास ये क्वेश्चन है किसका, हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, एक तो हमारे पास होता है कौन सा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और एक हमारे पास कौन सा प्रोजेक्टाइल होता है, एक हमारे पास होता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। तो क्वेश्चन को देख के हमें क्या लग रहा है, ये एंगुलर होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, ये होगा हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते होते हैं, हम किसी चीज़ को किसी एंगल किसी वेलोसिटी यू से फेंकते हैं और किसी एंगल थीटा से करते हैं, और यू को फिर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होता है यू एक्स इज इक्वल टू मे यू कॉस थीटा, और एक होता है हमारे पास यू वाई कंपोनेंट यू इज इक्वल टू मे यू ऑफ साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास थीटा दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, थीटा में हमें क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। तो यहाँ से यू एक्स कंपोनेंट देखिए तो यू एक्स इज इक्वल टू मे कितना हो जाएगा कॉस 45। सिमिलरली कितना हो जाएगा हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू में यू वाई का कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यू साइन 45। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 में रूट टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यू बाय रूट टू, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यू बाय अपॉन में रूट टू। तो ये तो हमने निकाल लिया। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्टर को हमने फायर किया था हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है। देखो बेटा, अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा था तो सबसे पहले इसका मतलब एक तो हमें उसकी हाइट की बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट एच का हमारे पास फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो देखो बेटा, एच इज इक्वल टू में यू स्क्वायर, तो वही सेम हमारे पास थीटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में जो थीटा दे रखा है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। अब देखो एक बात और, अगर हम यहाँ पे यू साइन थीटा देखें तो बेटा यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, यू साइन थीटा कितना है यू अपॉन में रूट टू, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं एच इज इक्वल टू में, तो एच इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास यू अपॉन में रूट टू सारे का स्क्वेयर, क्योंकि यू स्केयर साइन स्केयर थीटा को ना आप ले सकते हैं यू इंटू में साइन थीटा सारे का स्केयर, और यू साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, ये वैल्यू है हमारे पास यू अपॉन में रूट टू, तो यू अपॉन में रूट टू सारे का होल स्केयर अपॉन में कितना आ जाएगा 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगी हमारे पास यू स्केयर अपॉन में 2 इंटू में 2g, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई यू स्केयर अपॉन में 4g। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक h निकाल दिया, h की वैल्यू कितनी आ गई यू स्केयर अपॉन में 2g। अब एक चीज़ और क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाता है। देखिए अगर आपने किसी भी चीज़ को किसी एंगल थीटा से टच किया था और जब वो किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट के बाद फिर वो क्या करना शुरू करता है, वो नीचे आना शुरू करता है। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे गई थी तो इसका मतलब हमें पता है कि जहाँ से हमने किसी चीज़ को घेरा था और जहाँ पे अभी कोई चीज़ टच हुई, तो वो पूरे के पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस डिस्टेंस को हम आर का नाम देते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट के इसका मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर बाय टू होगा, ये डिस्टेंस तो आर बाय टू होगा ना। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसने जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो वो रेंज कितनी कवर कर रहा है, हाफ रेंज कवर कर रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ले सकती हूँ कि वो हाफ रेंज कवर कर रहा है। अब रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, हाँ यू रेंज का फॉर्मूला होगा हमारे पास, दैट इज द यू स्क्वायर साइन 2g। हाँ ये होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन में 2g। अगेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r बाय 2 इज इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन में 2g, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से ये कितने आ गई हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन बन गई, एक तो आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, सॉरी 4g है ना, ये था 4g, और एक आ गया हमारे पास कि r बाय 2, कि r बाय 2 जो है ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम बनाते, अगर हम इसको छोड़ दें तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, हमें पता है कि अगर आपके पास कोई हाइट कवर कर रहा है और वो रेंज कवर कर रहा है, तो हम इसको डायग्राम की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कि हमें पता है कि ये चीज़ अगर आपने किसी चीज़ से फेंका था तो ये चीज़ हमारे पास कितनी हो रही थी, आर बाय टू,
है ना। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास कितनी होती है, मतलब कि कोई हाइट किसी एक्स से उसने फेंका था, ये हमारे पास आर बाय टू और ये मेरे पास हाइट है। तो अगर मैं बात करूं मुझे ये चीज निकालनी हो, देखा जाए तो ये कितना है, ये बेस बन रहा है, और हाइट कितनी है, ये हमारे पास क्या है, परपेंड नहीं, ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर होगा या हाइपरन्यूज होगा। देखिए हमारे पास ये हमारे पास है आर बाय टू, ठीक है, और ये एच है। अगर हम बात करूँ मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर हम बात करूँ मान के सपोज, मान के चलिए ये मेरे पास जो है ये, हाँ इसको ना हम इस तरह से बनाएंगे, थीटा हम एंगल एच बनाते हैं, एक ही बात है वैसे। देखिए ये एच है और उसने हाइट कवर की थी ये वाली, तो ये मेरे पास हाइट है, तो यहाँ से हमारे पास ये है थीटा, तो देखिए ये एंगल मेरे पास है फाइव। अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे क्या है आर बाय टू, वाई एक्सिस पे क्या है एच। अगर वाई एक्सिस पे हमारे पास एच बाय टू है तो हमें पता है कि ये जब हम एंगल निकालते होते हैं टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट फाई हमारे पास कितना होता है डी वाई बाय डी एक्स, टेंजेंट फाई ये होता है ना डी वाई बाय डी एक्स, तो मतलब कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब डी वाई मतलब वाई एक्सिस पे क्या है एच, और एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है आर बाय टू, तो टेंजेंट फाइ इज इक्वल टू में एच बाय आर बाय टू, तो टेंजेंट फाइ इज इक्वल टू में एच की वैल्यू हमने निकाल दिया कितनी है यू स्केयर अपॉन में फोर जी, और आर बाय टू की वैल्यू कितनी है यू स्केयर अपॉन में टू जी, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से टेंजेंट फाइ इज इक्वल टू में यू स्केयर अपॉन में 4g and u square upon में 2g, u square से u square cancel, g से g cancel और ये 2 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास now tangent phi हमारे पास कितना आ जाएगा, tangent phi is equal to में 1 by 2, then phi is equal to में कितना आ जाएगा tan inverse 1 by 2, that's the answer, and that's the answer is question, question answer number 4 is the answer। समझ में आ गया, ठीक है।